एक ऐसा फल जो मात्र दो दिन तक ही ताजा रह सकता है। बासी होने पर खाना तो दूर, उसे घर में रखना भी मुश्किल है। ऐसे फल को ऑनलाइन 500 से 600 रुपए किलो के हिसाब से बेचकर इंजीनियरिंग छोड़ किसान बने नीरज ढांडा के बारे में आप भी जानना चाहेंगे कि ये असंभव काम उन्होंने कैसे चुना। लेकिन नीरज का ये सफर इतना आसान नहीं था। नीरज रोहतक के पले बड़े हैं, बचपन से गांव से उनका गहरा नाता है। विरासत में इंडस्ट्री के रूप में बुजुर्गों से खेती बाड़ी मिली, फिर भी कंप्यूटर साइंस में नागपुर से इंजीनियरिंग की। नीरज के मन में बचपन से ही कुछ अलग करने की जिज्ञासा थी। नीरज ने अपने गुणों के कारण खेती का अलग रास्ता ही चुना। दरअसल हुआ यूं, जब नीरज अपनों के साथ फसल बेचने मंडी जाते थे तो उनके बिचौलिए द्वारा किसानों का शोषण देखा। नीरज ने इंजीनियरिंग के बाद नौकरी करके कुछ पैसे बचाए और जिंद से 7 किलोमीटर आगे संगतपुरा में अपने 7 एकड़ खेतों में खेती की शुरुआत की। कुछ समय बाद नीरज ने इलाहाबाद के कायमगंज की नर्सरी से अमरूद के कुछ पौधे खरीदे और अपने खेत में लगाए। अमरूद की काफी अच्छी फसल हुई। मंडी में जब वे अपनी फसल लेकर पहुंचे तो सभी बिचौलिए एक हो गए और 7 रुपए किलो का दाम लगाया। नीरज भी अपनी जिद पर अड़ गए। उन्होंने गांव के चौपालों और गांव से सटे शहर के चौराहों पर कुल मिलाकर 6 काउंटर बनाए और मंडी से दोगुना दामों पर इन अमरूदों को बेच दिया। काफी थोक विक्रेता भी इन काउंटरों के जरिए नीरज के खेतों तक पहुंचे। नीरज ने अपने आगे के सफर के लिए छत्तीसगढ़ की तरफ रुख किया। वहां एक नर्सरी से थाईलैंड के जंबो गुआवा की पौधा खरीदा और उसे अपने खेतों में रोपा। 1.5 किलो तक के अमरूदों की बम्पर फसल का तोहफा नीरज को अपनी मेहनत के रूप में मिला। अपने ही खेतों के वेस्ट से बनी ऑर्गेनिक खाद के कारण अमरूदों में इलाहाबाद के अमरूदों जैसी मिठास बनी रही। अब नीरज ने अपनी कंपनी बनाई और हाईवे बेल्ट पर अमरूदों की ऑनलाइन डिलीवरी की शुरुआत भी कर दी। नीरज ने अपनी वेबसाइट पर ऑर्डर देने से डिलीवरी मिलने तक ग्राहकों के लिए ट्रैकिंग की व्यवस्था भी की, जिससे वे पता लगा सकते हैं कि अमरूद किस दिन बाग से टूटा और उन तक कब पहुंचा। न्यूज़ डेस्क।